You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep. Assalamu alaikum everyone. I hope आप सब लोग खैरियत से होंगे. तो मैं घर से निकल चुकी हूँ और हम लोग जा रहे हैं एक शॉप की तरफ. क्यों? क्योंकि हमारे घर में आज दावत है. तो हम लोग पहुँच चुके हैं एक बेकरी पे. यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें बाय करते हैं. मैं यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ ना मतलब मैं देख रही थी कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए. तो वहाँ पे मुझे उन्होंने ऑफ़र किया कि आप टेस्ट करके चेक कर सकती हैं. देन मैंने 2 से 3 किस्म की मिठाइयाँ टेस्ट करके चेक की. तो फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आई क्योंकि एक साथ मैं बहुत सारी मिठाइयाँ खा चुकी थी. तो ऑब्वियसली मुझे कैसे समझ आता. तो एट द एंड मैंने बकलावा ले लिया यहाँ से. उसके बाद भी मैं जस्ट चेक ही कर रही थी कि यार मुझे कोई और चीज़ अच्छी लग जाए. एंड ऑल लाइक दैट ये एप्पल मैंने देखा. यार ये बिल्कुल एप्पल जैसे लग रहे हैं. मतलब इसकी बनावट एप्पल जैसी है लेकिन ये बर्फ़ी है. तो इसका टेस्ट पूरा बर्फ़ी वाला था. मिठाइयों के अलावा भी आई वॉज लुकिंग फॉर अदर थिंग्स टू. क्योंकि मैं जब भी बेकरी जाती हूँ मेरा दिल नहीं भरता. तो मैंने यहाँ से बिस्किट्स एंड डोनट्स का पैकेट एक एक ले लिए. और फिर मेरी अचानक से नज़र पड़ी गाजर के हलवे पे. तो भाई ये भी मुझे तो बहुत पसंद है. फिर मैंने सोचा थोड़ा सा गाजर का हलवा भी ले लेती हूँ. मतलब ऐसे कि थोड़ा 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 हर चीज़ मुझे लेनी होती है ना. जब भी बेकरी पे जाओ कोई भी मीठी चीज़ हो मैं छोड़ नहीं सकती. तो जब तक पापा पैक करवा रहे थे तब तक मैंने और चीज़ों को ओवरव्यू ले लिया. देन हम लोग घर के लिए निकल गए वापसी. तो वापसी में मैं और पापा ऐसे ही डिस्कस करते हुए जा रहे थे कि कौन कौन से ट्रीज़ और कौन कौन से प्लांट्स हमें लगाना हमारे लिए लाइक हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए भी हेल्दी हो सकता है. तो ये भी सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह एक व्लॉग में बना के डिस्कस करूँगी. बताऊँगी कौन कौन से ट्रीज़ के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और लगाना अच्छा है नहीं है क्या है क्या क्या बेनिफिट्स हैं. एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं हमारे पर्सनल भी हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. और यही डिस्कस करते हुए हम लोग आ रहे थे तो मुझे आज ये भी मालूम पड़ा कि मेरे घर के बाहर भी चीकू का दरख्त लगा हुआ है और वहाँ पर चीकू भी लगते हैं. एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था हम लोग इतने टाइम से यहाँ पर रहते हैं. आई डिडंट नो कि हमारे घर के बाहर चीकू का दरख्त लगा उस पर चीकू भी होते हैं. तो अब हम लोग घर आ चुके हैं और इसके अलावा भी और सारी प्रिपरेशन वगैरह करनी थी. तो मामा ने कबाब बनाया. मामा जब कबाब बना रही थी तो मैं क्या ही उनकी हेल्प करती. मैं तो बस वीडियो बना रही थी. कबाब के साथ साथ मामा ने मुझे बोल दिया कि मैं आलू के छिलके उतार दूँ. बॉयल आलू मामा ने किए थे तो उसके मैंने छिलके वगैरह उतारे क्योंकि आई थिंक चनों में इसको मिक्स करना था लेकिन मैंने गलती से इसको मैश कर दिया था. चने की चाट में इसके क्यूब्स बना के ऐड करने थे और मैं इनको मैश करके सब कुछ सेट करके इसको साइड पर रख कर आ गई थी कि ये मैश होंगे. सब चीज़ें तैयार हो गई. कबाब वगैरह फ्राई हो चुके हैं. जो भी चीज़ें डिश आउट करनी थी वो सारी चीज़ें करके लगा दी हैं. अब सारी चीज़ें तैयार हैं. हम लोग सर्व करने की तैयारी कर रहे हैं. फिर जो गेस्ट आए थे तो वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे जैसे चॉकलेट्स कोल्ड ड्रिंक एंड केक वगैरह. तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम वो भी कट करके खाएं. और क्योंकि सेम डे मेरी बहन का रिज़ल्ट भी आया था अच्छे परसेंटेज माशाल्लाह से 90% उसने अचीव की थी 9th क्लास में. बस केक के पीसेस कट करके सर्व कर दिया. ऐसे हमारा हुआ आज का दिन ख़त्म. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा. अल्लाह हाफिज़.